आज 31 मार्च 2022 भारत में सद्गुरुवार है। इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष 31 मार्च है, यानी फाइनेंशियल ईयर होता है, आर्थिक वर्ष का आखिरी दिन है। तो आज के दिन पूरा अकाउंट क्लोज करते हैं, लेखा जोखा फिनिश करते हैं। तो बाबा ने आज विशेष साकार मुरली में अकाउंट क्लोज करके कैसे करना है और कैसे बाबा के बच्चे तकदीरवान बन सकते हैं और तकदीरवान बच्चों की निशानी क्या होगी, वो बहुत अच्छी तरह से बताया है। विशेष अंडरलाइन करना चाहिए क्योंकि इस समय कई बाबा के बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। दो शब्दों में हम बता सकते हैं पूरी मुरली को, अगर गहराई से चिंतन करें। बहुत बाबा के बच्चों को ऐसे लगता है कि धन होगा तो सेवा होगी, स्थूल धन की बात है। तो दो शब्द है, धन और धारणा। धन से सेवा होगी या धारणा से सेवा होगी, और क्या अगर धन नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी, सोचना चाहिए इसके ऊपर। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि पैसे कमाओ तो भी टेंशन और नहीं कमाओ तो भी टेंशन। अमेरिका की एक केस याद आ रही है तो निगेटिव, लेकिन हमको इससे सीख मिलती है। आईआईटी से पास हुआ व्यक्ति इंडिया में मद्रास या चेन्नई आजकल जैसे कहते हैं, बहुत बुद्धिमान, अपनी बुद्धि के आधार पर बहुत बड़ा पोस्ट प्राप्त किया और बड़े कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। अभी बहुत खुश थे क्योंकि सफलता ऐसे समझते हैं कि बहुत धन है, जैसे आज बाबा ने कहा ना, परिवार के लिए तो बहुत अच्छा मकान है, फैमिली है, नाम है। हुआ क्या, ड्रामा प्लान अनुसार हम उसको डिप्रेशन कहते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन, माना अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। तो जॉब चला गया, अभी जब जॉब जाने वाला था तब तक इनकी लाइफस्टाइल या जीवन जीने का तरीका इतना ऊंच था जिसमें खर्चे बहुत होते थे क्योंकि इनकम भी उतना था। अभी ऊंचा लाइफस्टाइल जीने की आदत हो गई थी, जैसे ही जॉब चला गया एकदम जैसे कि कहते हैं कि ऊंची मंजिल से गिर गए, नीचे आ गए। तो छोटा मकान, छोटा जॉब, क्योंकि सरवाइव करने का आखिर में आ गया कि अभी कैसे करें। तो इट वॉज अ ब्लो टू द ईगो। ये जो लोग कहते हैं कि सफल व्यक्ति माना जिसके बाद खूब धन संपत्ति है, महल माड़िया है, नाम मान शान है, तो इसको लौकिक दुनिया में भी ईगो प्रोफाइल कहते हैं। ये सब ईगो प्रोफाइल है। सोल प्रोफाइल माना आपने कितने लोगों को मदद की है, कितने लोगों से आशीर्वाद लिया है ना, आप आत्म अभिमानी कितने रहते हो, ये सोल प्रोफाइल हो गया। तो लोग ईगो प्रोफाइल को ही सब कुछ समझते हैं और उसी के आधार पर जीते रहते हैं। तो ऐसा हुआ, इट वॉज अ ब्लो टू द ईगो कि इतना बड़ा मकान, इतना धन था, सब चला गया। जिसको बाबा का शब्द है, करोड़पति से रोड़पति हो गए, तो वो सहन नहीं कर पाए।
और निराश हो गए, अभी ऐसी परिस्थिति में स्टेबल रहना चाहिए, लेकिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। इतने निराश हुए कि उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को खत्म करके फिर खुद को खत्म कर दिया। इट वॉज अ सैड डे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी बातें हो रही है। इनको हम कहते हैं ग्रुप सुसाइड, और ये ज्यादातर होता है पैसे की तंगी के वजह से। यहाँ पर हमको ये सीखना चाहिए, लौकिक में भी कहते हैं कि सभी गलतियां हम खुद नहीं करें, लेकिन दूसरों की गलतियों से हमको सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है जीवन पद्धति की। आपने अपना स्टेटस कितना ऊंचा बनाया है? बाबा हमेशा कहता है ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, बीच वाला होना चाहिए, सेंटर हो ये जो भी स्थान हो। क्योंकि अगर आपने बहुत ऊंचा बनाया तो लोगों की बुद्धि कलयुग की बुद्धि है, वो कहेंगे कि इतना पैसा इनके पास आता कहाँ से है। अब ये घटना भी आपको सुनाते हैं, बहनों ने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को लेके गया कि वो सहयोगी बनेगा मधुबन में। मधुबन देख के उसको लगा कि इनके पास तो बहुत पैसा है, इनको क्या पैसे की कमी है। क्योंकि वो देखता था कि एसी कार है, बहुत जगह पे एसी है, तो ये लोग तो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो इनके पास बहुत पैसा है। तो भाव क्या था, लेकिन उसने उठाया क्या? तो कलयुगी बुद्धि वाले लोग अलग तरीके से सोचते हैं। तो हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए बाबा की श्रीमत के ऊपर। बाबा ने कहा ना बहुत ऊंचा हो, क्योंकि ऊंचा हो ठाट बाट हो तो वो सोचेंगे कि इनके पास तो बहुत धन है, और बहुत नीचा हो तो कहेंगे कि इनके पास तो कुछ नहीं है, है ना? तो बीच वाला होना चाहिए। हमको यहाँ पे मैसेज ये लेना चाहिए कि तपस्वी जो होते हैं, सच्चे तपस्वी, वो सत्यता के मार्ग पर चलते हैं, वो झूठ का सहारा नहीं ले सकते। वे सत्य और झूठ को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माया की बुद्धि ऐसे है कि झूठ को भी सच समझा लेती है और सच को झूठ कहती है, और फिर अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं। डिफेंड माना सिद्ध करते कि इतना तो होना चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा। जो आज बाबा ने कहा है दिल की बात, कई लोगों के ऐसे बहुत सारे भाई बहनों से इंटरेक्शन होता है, तो बहुत बिजनेसमैन यही कहते हैं कि क्या करे, घर को चलाने के लिए इतना सब करना पड़ता है, अकेले तो हम नहीं चलेंगे ना, बाकी लोग भी है भ्रष्टाचार करने वाले, नहीं तो हमारा बिजनेस चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, इसलिए हमको करना पड़ता है। ये है अपने आप को सिद्ध करना। आप सोचो इसके ऊपर गहराई से, कर्मों की गति को समझ लो कि क्या ये भ्रष्टाचार करना या पैसे का उलटफेर करना, वो भी यज्ञ सेवा के नाम पर। आप सोचो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं कि यज्ञ सेवा के लिए ये करते, ऐसे कहते हैं। माना देखो बुद्धि कैसे काम कर रही है, माना इसी को कहते हैं माया की बुद्धि, यज्ञ सेवा के लिए। क्योंकि हम पैसे नहीं कमाएंगे तो यज्ञ को सहयोग कौन देगा? इसके ऊपर गहराई से चिंतन जरूरी है। जो बाबा ने कहा आज की मुर्रे, कई बिजनेसमैन करते हैं और फिर अपने पापों को कम करने के लिए धर्माव निकालते, कहते कि उधर हमने गड़बड़ किया तो यहाँ देंगे तो हमारी गड़बड़ को भगवान माफ कर देगा। बहुत रहम आता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्मों की गति गुह्य है ना, हमने देखा चौथे अध्याय में, बोद्धव्यच विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम्। गहना कर्म मनोगति, तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, कर्म अकर्म और विकर्म। पता ही नहीं चलता कि विकर्म कर रहे हैं। और एक फिलॉसफी प्रपोज की गई है जिसको कहते हैं रॉबिन हुड फिलॉसफी। ये भी एक तत्व ज्ञान है, बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, और एक बार वो आपके बिलीफ सिस्टम या मान्यता में चला गया तो उसको ही सच समझते हैं। अमीरों से लूट कर गरीबों को देना, तो बाबा ने ऐसा किसी भी मुरली में कहा नहीं है। प्लीज अंडरलाइन दिस, बाबा ने किसी भी मुरली में नहीं कहा है
कि ऐसा धोखा लेके या भ्रष्टाचार करके बाबा के यज्ञ की सेवा करो। उल्टा तो बाबा की ऐसी श्रीमत है कि ऐसा अगर कोई धन है तो उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, और बाबा एक्सेप्ट भी नहीं करता है। बाबा तो उन गरीब बच्चों का लेता है जो बहुत ईमानदारी से चलते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं, तो दोनों तरफ के बाबा के बच्चे हैं। तो बहुत संभाल के चलना चाहिए कि धन से सेवा नहीं होती, धारणा से सेवा होती है। और इसी आधार पर हमारी दादियों ने नंबर लिया। देखो दादियों की क्या अवस्था रही होगी, दिल से दुआएं निकलती है कि उनको पैसे पता ही नहीं था कौन सा 1 रुपया है वगैरह। उस समय तो ऐसा था, अलग डिनोमिनेशंस थे, तो पैसा कौन सा है, कितना पैसा है, जब वो बग्गी से जाते थे तो कौन सा दू, ये भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि कौन सा बड़ा वाला है कौन सा छोटा है पता नहीं, क्योंकि हाथ में कभी लिए ही नहीं। तो इतने इनोसेंट कि बाबा ने देखो उनको कहां से कहां लेकर गए। एक कहानी आपको सुनाते हैं प्रैक्टिकल, देखो बाबा कितने पक्के रहे होंगे इन धारणाओं में। लौकिक ब्रह्मा बाबा का लौकिक बेटा है ना, जिन्होंने यज्ञ की बहुत सेवा की, लेकिन जब बेगरी पार्ट आया है ना, तो ढोड़ा और छाछ खा रहे थे, माना रोटी भाकरी जिसको कहते हैं, उसके साथ छाछ से मिलाकर। तो अभी लॉजिकल देखो कि उनका कहना ये था कि बाबा हमको छुट्टी दो ताकि हम धन कमाए यज्ञ के लिए, लेकिन बाबा बाबा बहुत इस मामले में डटे रहे कि नहीं, जो शिव बाबा खिलाएगा वही हमको खाना है। तो कई लोगों को तकलीफ हुई और उसमें ये भी थे, तो इन्होंने यज्ञ का हाथ छोड़ दिया। बाबा ने रास्ते का भोजन और रेलवे का टिकट बट इतना ही दिया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा जो खिलाएगा उसी में चलना है। और कई लोगों को अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा रहने को नहीं मिला, तो छोड़ देते हैं। तो बाबा का इसके पीछे लॉजिक ये था, जब बेगरी पार्ट चला यज्ञ में, माना धन नहीं था, तो तपस्या निखर के आए, तपस्या निखर के आए कि हम किसी भी परिस्थिति में बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे और साधना करेंगे। लेकिन कई लोगों को वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, कार, बंगला, शान और शौकत, कपड़े, तो उसके लिए ये वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी आंखों के सामने कितने एग्जाम्पल आ रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि बद्दुआ लेने वाले हैं। लोन लेते हैं, बाबा ने कर्ज को मर्ज कहा है, और लोगों के साथ फंसाते हैं, पैसे लेके वापस नहीं करते हैं, कितने सारे हैं। आखिर में ऐसे आत्माओं की अवस्था नीचे गिर गई, कई लोगों ने तो बाबा का हाथ छोड़ दिया, कई लोगों की अवस्था खराब हो गई, डिससर्विस हुआ। लेकिन ये सब क्यों हुआ, क्योंकि धन कमाने के पीछे वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया। बाबा के ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं जो इतना ईमानदार है, बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं गवर्नमेंट में, और पता है उसके बिगैर कुछ नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार तो करना ही पड़ेगा, तो कॉन्शियसली वहां से अपना पोस्ट निकाल के लोअर पोस्ट पे चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हैट्स ऑफ टू दिस सोल्स जो अंडर प्रेशर अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं किसी भी हालत में। सबसे अच्छे हैं हम तो कहेंगे सैलरी वाले, क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते, ऑटोमेटिक उनका डिडक्ट होके आता है, इनकम टैक्स कट होके आता है। तो सोचना चाहिए धन इम्पोर्टेंट है या धारणा। बाबा ने बार बार धारणा को अंडरलाइन किया कि जहां धारणा है वहां धन अपने आप आएगा, और जहां बद्दुआ है वहां पर जो है वो भी चला जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि कभी भी खराब काम नहीं करना है, लोभ नहीं रखना है, लोभ, ये लोभ की वजह से ये सब होता है। दूसरा बाबा ने कहा हुआ है कि गीत गाया पत्थरों ने, एक मूवी आया था, देखो बाबा ने उसका कितना अर्थ बताया कि पत्थर तो गाते नहीं है, पत्थर गीत नहीं गाते, लेकिन पत्थर बुद्धि जो हमारी थी वो पारस बुद्धि बनती है, तब हमारे अंदर से नेचुरली
भगवान के महावाक्य निकलते हैं, उसको कहते हैं भगवत गीता। गीता माना गीत है। कितना सुंदर बाबा ने अर्थ बताया है। तो चेक करना चाहिए हमारे मुख से पत्थर निकलते हैं या रतन निकलते हैं। इसलिए कुछ बच्चों के नाम बाबा ने रखे थे, है ना, नीलम परी, सब्ज परी, क्योंकि हीरे निकलते हैं मुख से, माणिक निकलते हैं, माना इतने सुखदाई बोल होते हैं। ठीक करना चाहिए कि हमारे बोल सुखदाई है, हमारे मुख से पत्थर निकलते हैं या ज्ञान रतन निकलते हैं। अगर पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बनेंगे, और ज्ञान रत्न निकलेंगे तो बाबा के रत्न बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसके लिए क्या करना है कि कड़वाहट नहीं होना चाहिए। अभी कड़वाहट क्या होती है, कई लोग कड़वाहट लेकर जी रहे होते हैं। कड़वाहट माना कोई चीज या कोई व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं आता है तो मुंह कड़वा हो जाता है। कड़वा समझते हैं, जब कड़वा टेस्ट होता है तो मुंह भी कैसे हो जाता है। तो ये कड़वाहट फिर व्यवहार में आता है। किसी ने कुछ ऐसा किया जो इनको अच्छा नहीं लगा तो कड़वे बोल निकलते हैं, और फिर उस कड़वाहट में क्या-क्या बोल देते हैं वो तो लिस्ट ही अलग है। तो ये कड़वाहट क्यों आती है, चेक करो। जो अंदर होगा वही फिर बाहर आएगा, जिसके पास जो होगा वही देगा। कड़वा व्यक्ति होगा कड़वे बोल बोलेगा, मीठा व्यक्ति होगा तो मीठे बोल बोलेगा, और परिस्थिति के वक्त हमारी अवस्था का पता चलता है। वैसे तो सब कुछ जब अच्छा हो रहा है तब तो लोग बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जब अच्छा नहीं हो रहा है तब आप कैसे चलते हैं, ये आपकी तपस्या है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा को हमने देखा कि इतनी परिस्थितियां आई लेकिन अपने अंदर से मीठापन नहीं छोड़ा, लव और लॉ का बैलेंस रखा हमेशा। और फिर ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो तकदीर में होगा या जो ड्रामा में होगा, तकदीर बनानी पड़ती है। बाबा ने हमेशा इसका उदाहरण दिया हुआ है कि अपनी तकदीर को बनाना है अच्छे कर्मों के द्वारा। तो ये जो बाबा के बच्चे कहते कि ड्रामा में होगा तो बन जाएगा या तकदीर में होगा तो हो जाएगा, बाबा ने स्पष्ट कहा कि ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा अगर ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ऐसे बोलने वाले बच्चों का कभी कुछ नहीं होता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ड्रामा को नहीं आगे रखना है, खुद को आगे रखना है। स्कूल है ना ये, तो ज्ञान माना पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हैं और उसका एम ऑब्जेक्ट रहता है। अभी स्कूल में जाने वाले बच्चे ऐसे थोड़ी कहेंगे तकदीर में होगा तो पास हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तकदीर में पास होने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, तकदीर में होगा तो पास हो जाएंगे ऐसे नहीं हो सकता ना। इसी तरह से यहाँ पर पढ़ाई है। हमने भगवत गीता का श्लोक देखा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्मों के आधार पर ये वर्ण बने हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुण और कर्मों के आधार पर है। जितना हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होगी, जितना हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, निरंतर नेचुरल शक्तिशाली याद, उतना ऊंच पद प्राप्त होगा और बहुत आत्माओं को सुख देने के लिए निमित्त बनेंगे। तो चेक करना है क्या मेरे मुख से हमेशा रतन निकलते हैं, ज्ञान रतन, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। पत्थर बुद्धि माना वो बुद्धि जिसके अंदर पतितपन का थर चढ़ा हुआ है। पत्थर माना पतितपन का थर, थर माना लेयर्स चढ़े हुए, वही पत्थर है। वो बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं ले सकती। और पारस बुद्धि माना जिसने परमात्मा के प्यार के रस को पा लिया, पारस। तो जैसे ही यह रस आने लगता है, जैसे वो
पत्थर के जो थेर्स लेयर्स है या थर चढ़े हुए हैं वो सब साफ होने लगते हैं, वो पत्थर स्वच्छ होने लगता है, उसके जो लेयर्स है वो निकलने लगते हैं और बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, चमकने लगती है। तो कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है, श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। जो भी कड़वापन है उसको पूरी तरह से निकाल देना, एकदम मीठे हो जाने चाहिए, एकदम मीठा। तो हर आत्मा को इसका भाव है मेरे द्वारा सुख मिले, इसलिए हर कर्म के ऊपर अटेंशन, लौकिक में भी जो साधना करते हैं अपने कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन रखते हैं, त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हैं। वे कभी नहीं कहेंगे कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे बाबा कह रहा है सिद्ध होता है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म करते हैं, माना पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है और आपने कर्म कर लिया। कबीर का दोहा है ना, अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। करता था तो कर लिया, जब करते थे ऐसे कर्म उस समय ये नहीं सोचा कि आगे क्या होने वाला है, अब पछताने से क्या फायदा। कबीर कहता है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए, माना बबूल का वृक्ष, बबूल काटे वाला होता है, तो वो आपने बीज डाला है बबूल का, अभी आम का फल मीठा आपको कहां से मिलेगा। आपने बीज ही कड़वापन का डाला है, दुख का बीज डाला है, और आप कहेंगे मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते अभी तो ऐश कर लो, अभी तो सुख भोग लो, आगे जब होगा देखा जाएगा। बाबा ने एक मुरली में उस समय साक्षात हम बैठे थे सामने, तो बाबा का चेहरा देखने जैसा था। बाबा ने यही बात कही, कई बच्चे कहते हैं कि अभी तो मौज कर लो, बाद में किसने देखा है। तो बाबा ने इसका रेफरेंस देते हुए कहा कि देख लेना, क्योंकि उन्होंने कहा था बच्चों ने कि कुछ बच्चे ऐसे कहते कि कौन देख रहा है, बाबा ने कहा देख लेना, और बाबा का चेहरा थोड़ा अलग हो गया था उस समय। बहुत वंडर लगता है कि ऐसे कर्म करते हैं, है ना, चोरी करना या झूठ बोलना यज्ञ में रहते हुए, है ना, किस लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। और ये नहीं समझते कि आप यहां पर लोगों को फंसा सकते हैं, लेकिन धर्मराज से कैसे बचेंगे। धर्मराज की सजा जैसे नए बच्चों को पता नहीं है, है ना, देखो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो सजा के डर से सच बोल देते हैं, क्योंकि डर भी होना चाहिए, अगर डर नहीं है तो फिर गलत काम करते रहेंगे। दो बातें हैं, एक प्यार और डर। ये अच्छी बात है कि परमात्मा से प्यार होना चाहिए, लेकिन कई बार प्यार होता है ना तो उसका एडवांटेज उठा लेते हैं, इतना तो चलता है, ये शब्द कहीं मुख से आना नहीं चाहिए कभी भी, इतना तो चलता है, कौन देख रहा है, रॉन्ग। वैसे बाबा देखता नहीं है लेकिन अगर चाहे तो हर एक की कुंडली निकाल सकता है ना, क्योंकि लास्ट में जब सजा मिलेगी तो बाबा ने बहुत बार कहा है कि दिखा के सजा मिलेगी कि तुमने ये कर्म किया, इतने लोगों को फंसाया, पैसे की ठगी की, है ना, पैसा लिया और दिया नहीं, झूठ बोला, गलत प्रचार किया, है ना, तुमने बहुत विरोध किया, है ना, ट्रेटर बने, उस बाबा का हाथ छोड़कर ऐसे ऐसे कर्म किए, तो ये सब क्या है, बाबा दिखाएगा लास्ट में। अभी जो समझदार है वो इसको ध्यान में रखते हुए अटेंशन में चलेंगे कि लास्ट में सब कर्मों की फाइल तो खुलनी है ना। भगवत गीता के 18वें अध्याय में हमने देखा सुख के जो प्रकार बताए, सात्विक, राजसी और तामसी। तो जो सुख है शुरुआत में आपको अमृत के समान लगता है, बाद में उसका विष बन जाता है, वो तामसी सुख है, और जो शुरुआत में विष के समान लगता है लेकिन बाद में अमृत बन जाता है वो सात्विक सुख है। तो कई लोग सोचते हैं कि अभी तो एंजॉय कर ले, अभी तो मौज कर ले, जब आगे होगा देखा जाएगा, ये जो है ये तामसी सुख है।
कोई देख नहीं रहा है, किसको पता नहीं चलेगा वगैरह वगैरह। तो कुछ बाबा के बच्चे ऐसा कर्म कर लेते हैं, लेकिन बाबा उनको इशारा दे रहा है कि बच्चे ऐसा काम नहीं करो। कितना प्यार से समझाता है, क्योंकि लास्ट में जब फाइल खुलेगी वो पूरे 84 जन्मों की रोल हो जाएगी, और वो जो धर्मराज का राइट हैंड है वो देखेगा कि इसने ऐसा ऐसा कर्म किया है, तो वो सब आंखों के सामने आएगा। और उस समय शरीर छोड़ते वक्त बहुत तकलीफ होगी, वही सजा है। तो ऐसी सजा हम नहीं भुगते, भगवान के पास आए हैं तो पास विद ऑनर बने, भगवान जैसा सभी को सुख देके ऊंच पद कमाए, और उसका आधार है त्रिकालदर्शी बनना, त्रिकालदर्शी। बाबा कहता है दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्मों में भोले नहीं बनो, उसमें त्रिकालदर्शी बनो बनो, और बोलो तब कहेंगे सेंट यानी महान आत्मा। तो अंडरलाइन करना अपने कर्मों के ऊपर, अगर ऐसे कोई कर्म हुए हैं अभी तक तो आज पूरा बाबा को लिख के दे दो, या दिल से सुना दो कि बाबा ज्ञान में आने के पहले या ज्ञान में आने के बाद भी देह भान और देह अभिमान के वश, माया के प्रभाव के वजह से मुझ आत्मा से ऐसे कर्म हुए हैं, बाबा ये सब मैं आपको सौंप रहा हूँ। स्पष्ट रूप से सभी लिख के दे दो, और फिर बाबा को कहो बाबा मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज से मैं इन सब कर्मों के ऊपर अटेंशन रखूंगा, कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, ठगी नहीं करूंगा, धन के लिए धारणा को नहीं छोड़ूंगा, आपकी श्रीमत पर हर क्षण सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक चलता रहूंगा, स्वप्न में भी अटेंशन रखूंगा, जागृत अवस्था में रहूंगा, किसी को कड़वे बोल नहीं बोलूंगा, अंदर कड़वाहट नहीं रखूंगा, कोई भी झगड़ा नहीं करूंगा, है ना, बहुत मीठे बोल और मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालूंगा और आपको प्रत्यक्ष करूंगा। ये बाबा को लिख के दे दो, माफी मांग लो और लोगों को माफ कर दो, तभी आप अंदर से शांत रह सकते, प्रसन्न रह सकते हैं, और बाप समान मास्टर त्रिकालदर्शी महान आत्मा बन सकते हैं। होता क्या है कि एक दूसरे को देख के प्रभावित हो जाते, जो आज का स्लोगन है ना, एक दो को कॉपी करते हैं। अभी कॉपी किसको करना है हमको? हमको बाप को कॉपी करना है, हमको किसी देहदारी को कॉपी नहीं करना है। सोचते हैं इसने देखो कितना पैसा कमाया, इसका देखो कितना मान है, ये बहुत कुछ कर सकता है, तो ये आप किसको कॉपी कर रहे हैं? आप देहधारी को कॉपी कर रहे हैं, उसने क्या किया कैसे किया वो आपने नहीं जाना ना, किस तरह से धन कमाया। तो सोचते हैं कि ये जैसे अमीर बना मैं भी अमीर बन जाओ, और थॉट क्या रहता है इसके पीछे कि बाबा का सेंटर खोलो। अभी बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा है कि सेंटर खोलने के लिए वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करो, गलत तरीके से पैसे कमा के सेंटर खोलो। सोचो इसके ऊपर, क्या बाबा ऐसा पैसा लेगा? ऐसा पैसा बाबा नहीं लेगा जिसमें बद्दुआ है, और वो स्थान वो पैसा भी सुख नहीं देगा। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि केवल हमको ब्रह्मा बाप को कॉपी करना है, क्योंकि जिस बाबा ने बेगरी पार्ट में चाहता था तो धन कमाने के लिए बच्चों को बोल सकता था, लेकिन नहीं किया, वो आपसे ऐसा पैसा थोड़ी लेगा, और भगवान को जरूरत थोड़ी है। ये भी नहीं बुद्धि समझते कि हम बाबा को दे नहीं रहे हैं, बाबा हमको दे रहा है, ये भी उल्टा अभिमान आ जाता है कि मैंने यज्ञ को इतना दिया। अरे हम होते कौन नहीं देने वाले, जो सब पूरी दुनिया को देने वाला है उसको हम क्या दे सकते हैं? तो ये देना भी अभिमान है, ये शब्द रखना, उसके बजाय ऐसा शब्द रखना चाहिए कि धन्यवाद बाबा जो आपने मुझे इस सेवा के लिए निमित्त बनाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा चाहता है तो किसी की भी बुद्धि को टच करा के अपना काम करा सकता है, ये तो बाबा हमको अपना भाग्य बनाने का मौका दे रहा है ना। तो सोचो हम सोचते क्या है और करते क्या है। कॉपी किसी भी देहधारी को नहीं करना है, अगर कॉपी करना ही है बाबा ने जैसे बताया वो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, हर कर्म में आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार, हर बात में हर संकल्प में अगर हम ऐसे कॉपी करेंगे
तो ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ना है, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक बिल्कुल हल्का और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करना है शरीर से भिन्न आत्मा। ये शरीर विनाशी है और मैं अविनाशी, शिव बाबा की संतान, ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की संतान। इस शरीर के अंदर विराजमान अवतरित आत्मा मेहमान हूं और महान हूं, परम धाम निवासी हूं। सत्यता के सागर परम पिता परमात्मा की मैं संतान महान आत्मा हूं। वर्तमान संगम युग पर सच्ची कमाई करने वाली आत्मा हूं, अपनी तकदीर बनाने वाली आत्मा हूं। श्रीमत पर चलकर हर आत्मा को मर्यादा में रहते हुए सुख देने वाली मैं महान आत्मा हूं। इस ईश्वरीय यज्ञ में हड्डी हड्डी लगाने वाले हड्डी सेवाधारी आत्मा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया है। हर कर्म करते वक्त त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने वाली भी मैं महान आत्मा हूं। हर कर्म का आदि मध्य अंत देख कर कर्म करने वाली मैं महान आत्मा हूं। और ब्रह्मा बाप के फुटस्टेप पर चलने वाली, ब्रह्मा बाप को कॉपी करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरे अंदर का सभी कड़वाहट कड़वापन निकल चुका है, बहुत मीठा बन रहा हूँ क्योंकि बाबा का प्यार मुझे मिल रहा है। शिव बाबा का प्यार निरंतर मेरे अंदर प्रवाहित हो रहा है। मेरा दिल शिव बाबा के प्यार से भरपूर हो रहा है। जैसे बाबा ने मुझे स्वीकार किया है, वैसे हर आत्मा को मैं स्वीकार कर रही हूँ। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना के प्रकंपन नेचुरली निकल रहे हैं। बहुत हल्का लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मैं बिल्कुल शांत हूँ, रिलैक्स हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बाबा मुझे कह रहा है कि मीठे बच्चे तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, हमेशा श्रीमत पर चलते रहो और हमेशा मुख से ज्ञान रत्नों की सेवा करते रहो और त्रिकालदर्शी बनकर विजयी बनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। हो रही है बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा धन्य बन चुके हूँ। और बाबा को कह रहे हैं, हाँ बाबा, आप जैसे बोलते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा ओ